हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, दैट इज थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। टीजीए भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कि टीजीए होता क्या है। देखिए, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या है इस टेक्निक का, ठीक है, टीजीए का। तो टीजीए में हम क्या करते हैं कि कोई भी सैंपल लो आप, अननोन सैंपल जिसका आपको पता लगाना है कि सैंपल क्या है, उसको एस हाई एस 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप हीट कीजिए, ठीक है। जब आप उसे हीट करेंगे तो उसमें मास में चेंज आएगा उस सब्सटेंस के कुछ। अगर उसके मास में चेंज आता है, आप उसको रिकॉर्ड करते जाइए कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे क्या चेंज आया मास के अंदर, और फिर आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। ग्राफ में जो आप वाई एक्सिस पे इसमें लेते हैं वो आप उसमें लेंगे मास में जो चेंज आ रहा है, मास इन ग्राम, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टेम्परेचर। तो उस ग्राफ से हम एनालाइज करते हैं कि हमारा नोन कंपाउंड कैसा है या कौन सा है। दिस इज नोन एज टीजीए। तो देखिए डेफिनेशन, दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होगा बेटा, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ मास ऑफ अ सैंपल एज इट्स टेम्परेचर इज लीनियरली इंक्रीज्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू एज हाई एज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। फिर क्या करेंगे आप, अ ग्राफ इज देन प्लॉटेड, अ ग्राफ इज देन प्लॉटेड बाय टेकिंग मास, मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रही हूं, अलोंग वाई एक्सिस। मास कहाँ लेंगे आप, वाई एक्सिस पे, एंड टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे। टेम्परेचर कैपिटल टी से डिनोट करूंगी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज थर्मोग्राम। ये जो ग्राफ आपको मिलता है इसको हम थर्मोग्राम भी बोलते हैं। तो इस टेक्निक में क्या किया आपने, देखिए इस टेक्निक में आपने कंटिन्यूअसली लगातार रिकॉर्ड किया मास ऑफ ए सैंपल, कि मास में क्या चेंज आ रहा है किसी भी सैंपल के, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो लगातार लीनियरली फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू एस हाई एस 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने कोई भी अननोन सैंपल लिया, उसको हीट करना शुरू किया, रूम टेम्परेचर से आप हीट करना शुरू कर रहे हो, उसको हीट करते जाओ एस हाई एस 1200 डिग्री सेल्सियस, तो उसके मास में जो चेंज आता जाएगा वो आप रिकॉर्ड करते जाना। फिर जब आपके पास रीडिंग्स आ जाएंगी तो आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे जिसमें आप वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, मास लेंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। तो जो आपका ग्राफ आपको मिलेगा उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, थर्मोग्राम। उस ग्राफ को थर्मोग्राम बोलते हैं, और इस ग्राफ की हेल्प से हम एनालाइज करेंगे कि हमारा अननोन कंपाउंड कौन सा है। प्रिंसिपल समझ आया। अब प्रिंसिपल के बाद हम चलेंगे कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या रहेगी। इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए बेटा, एक तो आपने सैंपल को हीट करना है सबसे पहले, 1200 डिग्री तक आप कह रहे हो कि आप उसे हीट करोगे। हीट करने के लिए आपको फर्नेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आपने लगाई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड फर्नेस। ऐसे नहीं पुराने जमाने वाली कोयले वाली लगा दो, वो कभी हीट कर रही है कभी कूल डाउन कर देगी। तो आजकल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल फर्नेसेस आती हैं, आप वो वाली लीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सैंपल को हीट करना है।
तो फर्नेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आएगा? सैंपल आएगा। सैंपल को रखने के लिए एक होल्डर भी चाहिए होगा जिसके अंदर रखोगे, हवा में तो उड़ा नहीं दोगे सैंपल को। तो हमने लिया सैंपल होल्डर और उसके अंदर भी हमने रख दिया हमारा सैंपल जो हमने एनालाइज करना था कि हमारा नोन सैंपल कौन सा है। ठीक है, अब आप उसे हीट कर रहे हो और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हीट है दैट विल फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी वो एनवायरमेंट में जाती रहे और वेस्ट होती रहे, तो क्या करना पड़ेगा? उसके चारों तरफ आप एक थर्मल इंसुलेशन भी लगा दो जिससे कि आपकी जो हीट है वो सारी की सारी ऐसा ना हो एनवायरमेंट में ही निकल जाए और आपका सैंपल उतना हीट ना हो पाए जितना आप उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसके लिए हमने इसको इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट करने के लिए हमने क्या लगाई? थर्मल इंसुलेशन। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने सैंपल को हीट तो कर दिया, हीट किया, आपको ये भी पता है कि उससे उसके मास में चेंज आएगा। मास में चेंज आएगा तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या लगाते थे पहले? तो शॉप पे आपने देखा हो कभी भी मास को मेजर करने के लिए क्या करते हो? तराजू ले लेते हो, बैलेंस ले लेते हो, वेइंग बैलेंस बोल देते हो उसे। लेकिन केमिस्ट्री है, थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट वाला बैलेंस लेंगे जिसको हम बोलेंगे एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस क्या करेगा? मास में चेंज जो आपका आ रहा है ना, चेंज क्या, मास ही मेजर करता रहेगा लगातार कि भाई इतने टेम्परेचर पे इतना मास है, इतने टेम्परेचर पे इतना मास है, वो आप का मेजर करके आपको देता रहेगा और फिर वो उसको पहुंचा देगा रिकॉर्डर के पास कि भैया आप रिकॉर्ड कर लो इतने डिग्री पे इतना मास में चेंज आ रहा है, इतना मास है हमारे पास। तो अब इतने डिग्री पे तो टेम्परेचर भी नोट करना पड़ेगा ना फिर उसके लिए। तो टेम्परेचर नोट करने के लिए हमने लगाया थर्मोकपल। ठीक है, अब आप कहोगे थर्मोकपल क्या मैम, थर्मोमीटर ही लगा देते हैं। थर्मोमीटर जो होते हैं ना जनरली बेटा ग्लास वाले जो होते हैं वो 250, 300, 500 तक के आपको मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम हीट कर रहे हैं उसको 1200, 1500 डिग्री तक, तो हम थर्मोकपल लेंगे। थर्मोकपल आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट भी दे देगा। अगर सिग्नल वीक आ रहा है बाय चांस तो क्या करोगे आप, एक एम्पलीफायर भी लगा दो जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है जी, और ये एम्पलीफाई करके ये भी सिग्नल को भेज देगा रिकॉर्डर के पास कि भाई इसको रिकॉर्ड कर लो। आप रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, इधर से बैलेंस सिग्नल ले रहे हैं जो कि मास बता रहा है आपको, जिसको कि वो प्लॉट करता जाएगा वाई एक्सिस पे, और इधर से थर्मोकपल क्या है टेम्परेचर का सिग्नल भेजता जा रहा है कि कितना टेम्परेचर है या इस टाइम कितना टेम्परेचर है इस टाइम, जो कि हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे लेते जाएंगे और हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता जाएगा। ये जो ग्राफ होगा इसको हम बोलते हैं थर्मोग्राम। और इसमें हमने क्या क्या ले लिया भाई? इसमें हमने मास ले लिया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब फटाफट से एक बार बता दूं किसका क्या था दोबारा। वैसे तो इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने आपको साथ के साथ बताया है कि किसका क्या काम है। तो अगर ये आपको कहता है कि एनालिटिकल थर्मो बैलेंस जो आपने लिया, एनालिटिकल बैलेंस जो लिया है ये, इसका क्या काम है? ये आपको सेवरल वेट रेंजेस के मिल जाएंगे मार्केट में। इट हैज सेवरल वेट रेंजेस, मतलब 0.1 ग्राम मेजर करने से लेके 100 केजी तक के आपको बैलेंस मिल जाते हैं। आपने जाके देखा हो, वैसे भी देखो सुनार की दुकान पे आपको इतना छोटा वेइंग बैलेंस भी मिल जाता है जिससे कि वो 1 मिलीग्राम का भी आपको बता देता है, भैया इतना सोना दे रहा हूँ मैं आपको। आप जाके गेहूं वगैरह लेने जाओगे आपको 50 किलो, 100 किलो वाला वहां पे वेइंग बैलेंस मिलेगा। तो वेइंग बैलेंस अलग अलग वेट रेंज के मार्केट में अवेलेबल होते हैं हमारे पास। और जो एनालिटिकल बैलेंस हम लगाएंगे उसका काम क्या है, वो आपको रिजल्ट इतने एक्यूरेट दे, प्रोवाइड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो रिजल्ट रिप्रोड्यूस करके दे रहे हैं ना बार बार, ऑफ द ऑर्डर प्लस माइनस 10 मिलीग्राम। अगर आपके सैंपल में थोड़ा सा भी 10 मिलीग्राम का भी चेंज आ रहा है ना, चाहे वो प्लस हो रहा हो चाहे वो माइनस हो रहा हो, तो आपका बैलेंस की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड करके बता दे भाई मास में चेंज हुआ है। ठीक है, और वो सिग्नल को कहाँ भेजेगा? अभी हमने किया था वाई एक्सिस पे, इट सेंड सिग्नल टू द
वाई एक्सिस ऑफ रिकॉर्डर, वाई एक्सिस पे उसने सिग्नल भेज दिया। चलो जी, इसका तो काम हो गया। अब हमने ये फर्नेस लगाई थी, फर्नेस का क्या काम था? फर्नेस का काम तो उसको हीटअप ही करना है भाई सैंपल को। तो जो हमने फर्नेस ली है, इट इज जनरली जो हमारी है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड फर्नेस है, ठीक है। पुराने जमाने की कोयले वाली नहीं लगाई है हमने। ये क्या करेगी अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, तो ये लीनियरली टेम्परेचर को इंक्रीज करती रहेगी, एंड इंक्रीज द टेम्परेचर लीनियरली लगातार, ठीक है। आप एक रेट सेट कर लो एट अ प्री डिटरमाइन रेट की भाई हर एक मिनट के बाद 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, तो ये लगातार खुद ही खुद बढ़ाती चली जाएगी एट अ प्री डिटरमाइन रेट। वो जो प्री डिटरमाइन रेट है आप उसको सेट कर लो कहीं पे भी भाई, आपकी मर्जी है 5 to 10 degree Celsius कुछ भी सेट कर लो कि इतना बढ़ जाए हर मिनट पर मिनट। वो बढ़ाती जाएगी, कब तक बढ़ाती जाएगी? जब तक कि मैक्सिमम टेम्परेचर 1200 degree अचीव नहीं हो जाता। फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 1200 degree Celsius, ठीक है जी। फर्नेस ने बढ़ा दिया। अब आता है कि हमने टेम्परेचर को सेंस करने के लिए क्या लगाया, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने लगा दिया थर्मोकपल। ये जो थर्मोकपल है इट इज टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर का काम कर रहा है ये, ठीक है जी, जो आपका थर्मोकपल है। और ये क्या करेगा फिर, विथ सेंस द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, फर्नेस का टेम्परेचर देखता रहेगा ये और सिग्नल भेजता रहेगा, एंड सेंड सिग्नल टू किसके पास भेजेगा, रिकॉर्ड कौन कर रहा है, रिकॉर्डर टू एक्स एक्सिस ऑफ द रिकॉर्डर, वहां भेजता रहे भाई कितना टेम्परेचर बढ़ा कितना घटा क्या रहा क्या नहीं रहा। थर्मोकपल ने भी अपना काम कर दिया। अब रिकॉर्डर जी क्या करेंगे, रिकॉर्डर जी आपको रिकॉर्ड करके ग्राफ दे देंगे। इट गिव्स अ एक्स वाई एक्सिस पे आपको एक ग्राफ दे देंगे, ठीक है, जिसमें कि हम मास जो है वो लेंगे वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, और इस ग्राफ को हम बोलेंगे थर्मोग्राम। बहुत बार बताया है आपको ग्राफ को क्या बोलेंगे, थर्मोग्राम। अब आता है प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट तो लगा दिया हमने, बता भी दिया क्या क्या होगा, अब प्रोसीजर कि करोगे कैसे इसको। करने के लिए आपने कोई भी अपना सैंपल ले लिया, ठीक है, जो इसकी रेंज रख लो आप 1 to 300 milligram कितना भी सैंपल ले लो जो आपके पास अवेलेबल है। कई बार आपके पास सैंपल की कमी होती है, जो एनालिसिस जो रिसर्च लैब में बैठे हैं ना, जो पीएचडी वीएचडी कर रहे हैं भैया, बहुत मारामारी होती है सैंपल की, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप 8-8 घंटे की 5 दिन के लिए रिएक्शन लगाते हो तो जो आपको जाके 1 या 2 milligram सैंपल मिलता है उस केस में। अब भाई सैंपल जितना भी हो उतना आप ले लीजिए, चाहे आपके पास 1 milligram है चाहे आपके पास 2 milligram है, उसको आप क्या करेंगे कंटिन्यूअसली वे करना है। वे कब करेंगे, जब आप उसे हीट करेंगे, ठीक है, एज इट इज हीटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर। जब आप उसे हीट कर रहे हैं ना 1200 तक, तो उसके मास में जो भी चेंज आ रहा है आप उसको कंटिन्यूअसली वे करते रहना, नहीं तो हीट करने का कोई फायदा नहीं है जब आप उसका मास चेंज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो सैंपल को हम पहले प्लेस करेंगे क्रूसिबल के अंदर, प्लेस इन अ क्रूसिबल, ठीक है, और उस क्रूसिबल को इज अटैच्ड टू ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग एनालिटिकल बैलेंस।
उसको आपने एनालिटिकल बैलेंस जोड़ दिया। क्रूसिबल को एनालिटिकल बैलेंस क्या करेगा, जैसे ही मास में चेंज आएगा रिकॉर्डर के पास सिग्नल भेज देगा, और जो चेंज आया उसको इट रिजल्ट इनटू अ करंट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जो भी चेंज आता है इट रिजल्ट इनटू अ करंट सिग्नल, ठीक है, जिसको एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, विच इज एम्पलीफाइड, एंड करंट सिग्नल जो आपका जनरेट होगा, करंट सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए भाई, टू वेट चेंज, कि वेट में कितना चेंज आ रहा है। वेट में भारी भरकम चेंज आएगा तो करंट सिग्नल इंटेंस आएगा, ठीक है, और जरा सा चेंज आएगा तो हल्का रहेगा सिग्नल आपका। एंड रिकॉर्डर, उसको रिकॉर्ड करेगा कहां पे, ऑन वाई एक्सिस, एंड रिकॉर्डेड ऑन द वाई एक्सिस बाय द रिकॉर्डर। रिकॉर्डर ने उसे रिकॉर्ड कर दिया वाई एक्सिस के ऊपर। फर्नेस के टेम्परेचर को भी मेजर करते रहना, बस मास मास का क्या करोगे जब तक टेम्परेचर नहीं पता होगा। फर्नेस टेम्परेचर इज ऑल्सो कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड, उसको मत भूल जाना कि टेम्परेचर ना रिकॉर्ड करो, बाय अ थर्मोकपल, उसको थर्मोकपल रिकॉर्ड करता जा रहा है, ठीक है, और वो कहां सिग्नल भेज रहा है, हु सिग्नल इज अप्लाइड टू एक्स एक्सिस ऑफ द रिकॉर्डर, रिकॉर्डर के एक्स एक्सिस पे भेज देगा, ठीक है, थर्मोग्राम मिल जाएगा हमें। अब देखो ये इंस्ट्रूमेंटेशन इसने थोड़ी दिखाई है आपको, यहाँ पे ये रख दिया इसने सैंपल, ठीक है, फर्नेस लगा दी चारों तरफ जो उसको हीट करती जा रही है, ये लगा दीजिए फर्नेस। थर्मोकपल क्या करेगा, थर्मोकपल टेम्परेचर में चेंज आएगा उसको मेजर कर लेगा, और बैलेंस मास में चेंज आएगा उसको मेजर कर लेगा, और हीट करने के लिए कैरियर गैस भी डालती है एनवायरमेंट में। तो ये सब आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन है जो हम डिटेल में कर चुके हैं। अब आता है इसका obtained from TGA apparatus gives, आपको दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, ये क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी भी बता देगा भाई, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्सटेंस। अब आपको लगेगा भाई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों कैसे दे देगा, चलो तो बताते हैं भाई कैसे देगा। देखो क्वालिटेटिव पहले बताती हूँ, इन क्वालिटेटिव स्टडी कैसे देगा भाई, क्वालिटेटिव स्टडी में ये कहता है जनरली जो आपको थर्मोग्राम मिलता है ना, वो अभी तक आपने ये तो अच्छे से रट गया है आपको कि मास लिया ग्राम्स में एक्स वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे। जो हमें ग्राफ मिलता है वो हमें थोड़ा सा इस तरह का मिलता है, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि कोई भी जो आपका टीजीए कर्व है ना उसके दो पोर्शन होते हैं। टीजीए कर्व कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, दो पोर्शंस हैं, कौन कौन से भाई, एक तो आपके पास आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपके पास आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कौन सी आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल, और नीचे भी आ रही है एक ये री, ठीक है। दूसरा पोर्शन आपके पास आ रहा है थोड़ी सी टेढ़ी, मतलब स्लैंटिंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है लाइन, स्लैंटिंग डाउनवर्ड पोर्शन है आपके पास, एक आपके पास थी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी है आपके पास स्लैंटिंग
डाउनवर्ड लाइन, डाउनवर्ड लाइन बोल लो, पोर्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई बात नहीं। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिपिक्ट कर रही है, जब सीधी स्ट्रेट लाइन है और वाई एक्सिस पे आप ले रहे हो मास, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक मास में कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है, तभी तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल और बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है आपका, हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, इंडिकेट द रीजन, वो दिखा रहा है आपको वो वाली रीजन जहां पे मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेयर देयर इज नो चेंज इन मास, वेयर देयर इज नो चेंज इन मास, ठीक है, सीधी सीधी लाइन है हमारी। तो जब मास में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब आप अपने कंपाउंड को भाई इतने डिग्री तक हीट कर लो, इसका मतलब उसमें कुछ ब्रेकअप नहीं हो रहा, थर्मली स्टेबल है वो कंपाउंड, उसका कुछ खराब नहीं होगा वहां तक, ठीक है। इट शोज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, कि हमारा जो सब्सटेंस है वो यहां तक स्टेबल है, उसमें कुछ खराबी नहीं आ रही, कुछ चेंज नहीं हो रहा उसके अंदर। अब इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ पता लगता है, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, एज इट गिव्स द टेम्परेचर रेंज इन विच गिवन मटेरियल कैन बी सेफली यूज्ड। आपको ये पता लग रहा है कि यहां तक आपका जो सब्सटेंस है इस टेम्परेचर तक, मान लो ये टेम्परेचर आपका आ रहा है 300 डिग्री, तो यहां तक आपका कंपाउंड स्टेबल है, तो आप इतने टेम्परेचर तक उस सब्सटेंस को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि यह सब्सटेंस खराब नहीं होगा इतने डिग्री तक, तो आपको उसकी क्वालिटी पता लग रही है ना सब्सटेंस की, तो क्वालिटेटिव स्टडी हो रही है। अब देखो एक और एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह पेपर में पूछा भी जाता है और आपने हर एक बुक में भी देखा होगा, वो एग्जांपल आपका आता है इसमें कि थर्मोग्राम भी एक्सप्लेन कर दो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, वो आपसे नाम पूछ लेगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लिखे, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। ऑक्सैलिक एसिड पता है भाई, ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका COH, COH, ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें से ये दो प्रोटॉन निकल जाए ना, CO नेगेटिव बचेगा, तो ऑक्सैलेट आयन होता है, एनायन बन गया ऑक्सैलेट। अब उसमें दो हाइड्रोजन हटके उसकी जगह कैल्शियम आ जाए, तो CA पे टू पॉजिटिव चार्ज होते है, एक नेगेटिव इधर है, एक नेगेटिव इधर है, चार्ज बैलेंस हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, कैल्शियम CaC2O4, मोनोहाइड्रेट का मतलब H2O, तो ये कंपाउंड है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। अब ये आपको कह रहा है कि इसका TGS समझाओ, एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करेंगे भाई हम, हमें बहुत अच्छे से आता है एक्सप्लेन करना, तो करते हैं। देखिए हमने लिया कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट और हमने इसको हीट करना शुरू किया, जब आप इसे हीट कर रहे हो तो 100 डिग्री तक आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब ये कंपाउंड आपका 100 डिग्री तक थर्मली स्टेबल है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट जो है इट इज थर्मली स्टेबल अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहां तक ही आपका बिल्कुल स्टेबल है, कुछ चेंज नहीं आया इसमें, फिर भी हम नहीं माने, हम इसको आगे हीट करेंगे, आगे हीट करो भाई, आगे जब आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो CaC2O4H2O था कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, इसमें से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो आपके पास हो जाएगा CaC2O4, ठीक है, अलग, और वाटर अलग से वेपराइज होना शुरू हो जाएगा वेपर में, तो वो वेपर में निकलता रहेगा, वाटर इवोल्व होना शुरू हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर इवोल्व एट 100 डिग्री सेल्सियस वहां पे निकलना शुरू हुआ, और वो रिएक्शन आपकी चलती रही आके 226 डिग्री सेल्सियस तक, 226 तक आते आते आपका कंप्लीटली ये एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया, जिसमें जरा भी पानी नहीं बचा है हमारे पास, पानी हमने सारा वेपराइज करा दिया,
इतने में, ठीक है। अब जो आपका ये एनहाइड्रस बना ना, अब फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन आई, तो इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया कि अब भाई ये फिर से स्टेबल हो गया, और ये स्टेबल कहाँ तक रहा? 346 डिग्री तक ये स्टेबल है। पर फिर से आपने तो ठान रखी आप इसे 1200 तक हीट करोगे, आप रुक तो रहे नहीं हो। जब आप रुक ही नहीं रहे तो भाई बेचारा ये हीट हुआ कैल्शियम ऑक्सेलेट और ये फिर से डिकम्पोज हो गया, टूट जाएगा इतना ज्यादा हीट करोगे तो। टूटेगा किस में? कैल्शियम कार्बोनेट में और कार्बन मोनोक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड गैस है, गैस की तो टेंडेंसी है निकल जाने की, इवोल्व हो जाने की, गैस निकल गई। तो अब ये जो मास में डिक्रीज आया ना नीचे की तरफ बेटा, ये मास में डिक्रीज इसलिए आया क्योंकि इसमें से कार्बन मोनोक्साइड गैस निकल रही है। यहाँ पे जो मास में ये डिक्रीज आया था, ये डिक्रीज इसलिए आया था कि यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो रहा था, वेपर फॉर्म में निकल रहा था, तो जो वाटर का मास था ना वो डिक्रीज हो गया था सैंपल से। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड का मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका सैंपल जो है उसके मास में नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, तो मास डिक्रीज होता जा रहा है। और वो जो मास आपका डिक्रीज होगा वो डिक्रीज होता रहेगा जब तक कि टेम्परेचर 420 नहीं पहुंच जाता। 420 पे सारी कार्बन मोनोक्साइड निकल जाएगी, अब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका थर्मली स्टेबल है 660 तक, आप इसे हीट कर लो, इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। लेकिन फिर अगर आप इसे हीट करते जाओगे तो क्या होगा? अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये बेटा फिर से टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस है, वो गैस फिर निकल जाएगी। अब जो मास में यहां से लेके यहां तक डिक्रीज आया, वो डिक्रीज किस वजह से आया? क्योंकि CO2 गैस इवोल्व हो रही थी, और CO2 गैस इवोल्व कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर तक होगी? 660 डिग्री सेल्सियस से 840 डिग्री सेल्सियस तक, 840 तक सारी उसमें से CO2 इवोल्व हो जाएगी। अब आपके पास सिर्फ CaO बचेगा जो कि स्टेबल है 980 तक। तो आपके पास अगर इस तरह से एक थर्मोग्राम आ जाता है तो इससे देखो आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे आपको पहली इंफॉर्मेशन तो ये मिलती है कि आपका कंपाउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता। फिर आपको पता लगता है कि 100 डिग्री पे उसका मास डिक्रीज होना शुरू होता है, जो जनरली हम मान के चलते हैं जब भी 100 पे मास डिक्रीज होना शुरू होगा तो कि वाटर इवेपोरेट होना शुरू हुआ होगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद आपका एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है जो कि आपका स्टेबल है 346 तक, यहाँ तक। फिर आपको पता लगता है कि आपका जो एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्सलेट है उसमें रिएक्शन होती है, वो डिकम्पोज हो जाता है जाके 346 डिग्री पे, उससे आगे हम उसे यूज नहीं कर सकते और वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द टेम्परेचर 420। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसकी स्टेबिलिटी आपको पता लग रही है कि वो स्टेबल रहेगा आपका 660 तक। फिर उसको फर्दर हीट करते हैं तो उसमें फिर से डिकम्पोजिशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। हमारा 840 पे CaO बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आगे 980 तक फर्दर स्टेबल होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि आपको इतनी सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो इससे मिल गई, TGA से आप क्या कर सकते हो? किसी भी सैंपल की प्योरिटी भी चेक कर सकते हो। प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं आप? हम देखो, हर एक सैंपल का अपना एक थर्मोग्राम होता है, जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट होते हैं ना, ऐसे ही हर कंपाउंड का अपना एक थर्मोग्राम होता है। अब ये कहता है कि जो आपका सैंपल है, अगर ये ही वाला कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट वाला, अगर इसमें कहीं ना कहीं 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इस साइड ही मास डिक्रीज होना शुरू हो जाता, तो हम क्या अंदाजा लगाते कि इस सैंपल के अंदर कोई एक ऐसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे डीकम्पोज हो जाती है, और वो जो इम्प्योरिटी है वो वोलेटाइल भी है, वो उड़ रही है, जिसकी वजह से मास कम हो रहा है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज भी चेक हो जाएंगी। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ आता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का, तो इसका मतलब आपका सैंपल बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई कमी नहीं है। इन पीक्स के अलावा जैसे ही कहीं पे कोई और पीक आ जाएगी कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट में, तो इसका मतलब वो इम्प्योरिटी के लिए है, वो पीक कहीं ना कहीं कोई मिलावट है, ठीक है। अब एक और भी कर लें फटाफट से क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन। चलिए, अब ये कहता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कैसे काम आएगा। इन क्वांटिटेटिव
एनालिसिस। उसमें ये कहता है कि TGA जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे आपने कैल्शियम और बेरियम ऑक्सलेट ले लिया मिक्सचर में, ठीक है, उसके मोनोहाइड्रेट ऑक्सलेट्स लिए आपने, मोनोहाइड्रेट ऑक्सलेट। जब आप मिक्सचर ले रहे हो तो मैं मेटल को ना सिंपल ऐसे M से दिखा देती हूँ, MC2O4H2O, उसमें M कैल्शियम भी हो सकता है, बेरियम भी हो सकता है। अब आपने इसका एक नोन वेट लिया, जैसे 100 ग्राम ले लिया, 50 ग्राम ले लिया, कितना भी नोन वेट ले लीजिए, ठीक है। अब आप उसको हीट करना शुरू कर दीजिए, हीट कीजिए आप मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से आपने उसे हीट किया। हीट किया तो आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा, एक थर्मोग्राम आ जाएगा। जो आपके पास थर्मोग्राम आएगा ना बेटा, वो थोड़ा सा आपका इस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है। इसमें ये आपने लिया टेम्परेचर, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं ले रही मैं, कुछ भी नॉट टू स्केल लिख देती हूँ कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है, मास इधर ले रहे हैं हम ग्राम में। तो ये कहते हैं शुरू में जो आपके पास मेटल ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट था वो आपका स्टेबल था, 320 तक उसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मिक्सचर फॉर्म में आ गया है वो। फिर उसके बाद उसमें डिहाइड्रेशन शुरू हुई, जो आपका MC2O4H2O है वो डिहाइड्रेट हो गया, मतलब उसमें से वाटर निकल गया और H2O अलग हो गया, और ये रिएक्शन आपकी चलती रही 400 डिग्री तक, ठीक है। फिर आपका जो एनहाइड्रस बना वो स्टेबल है यहां से यहां तक 580 के करीब तक, फिर उसका मास डिक्रीज हुआ। अब जो उसका मास डिक्रीज हुआ होगा यहाँ पे उसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई होगी। डीकम्पोजिशन में बेटा वो एनहाइड्रस वाला जो आपका बना था ना वो टूट गया होगा कार्बोनेट में, और कार्बन मोनोक्साइड गैस इवोल्व हो रही होगी। ये सब चलता रहा आपका 620 तक। तो आपको ना एक इस तरह का ग्राफ तो मिल गया, लेकिन इस ग्राफ में आपको पता है कि MC2O4 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट को, ठीक है। अब हमने मिक्सचर लिया है यहाँ पे दो मेटल आयन का, M जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल आयन्स। ये कह रहा है कि मास लॉस जो हो रहा है ना, ये 320 से लेके ये जो 400 के बीच में जो मास लॉस हुआ ये है कॉरेस्पॉन्ड टू कंबाइंड लॉस ऑफ वाटर। दोनों जो आपके मेटल आयन के सॉल्ट्स हैं उनका कंबाइन वाटर लॉस हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये जो मास डिक्रीज हुआ 580 से 620 तक वो है कंबाइन मास ऑफ टू कार्बोनेट्स का, कि कार्बोनेट जनरेट हो रहे हैं और इसमें से CO गैस आपकी इवोल्व हो रही है। तो आपको ये इंडिविजुअली नहीं बता पा रहा है इसमें कि इंडिविजुअली आपका कौन सा सॉल्ट कितने डिग्री पे जाके कितने मिलीग्राम बच गया, उसमें कौन सी रिएक्शन हुई, ये कंबाइन ही बता रहा है। तो ये क्वांटिटी ओवरऑल दे रहा है मिक्सचर की, ये इंडिविजुअल आपको यहाँ पे सेपरेट सॉल्ट के कि आपको अलग से कैल्शियम सॉल्ट की और बेरियम सॉल्ट के अलग अलग नहीं बता रहा है, ठीक है। तो कई बार ये क्वांटिटी भी बताता है। अब आपको इसमें कुछ कमी लगी इस मेथड में, लिमिटेशन में पढ़ लें, एक बात बताओ, इसकी शुरू से लेके एंड तक की जो कहानी थी वो सारी कहानी इस बात पे डिपेंड करती है कि मास मस्ट चेंज विद टेम्परेचर, कि हमेशा मास में चेंज आना ही आना चाहिए टेम्परेचर के साथ, जिससे कि रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है ना ये प्रोसेस, इसके अपने लिमिटेशंस हैं, दिस इज लिमिटेड टू डीकंपोजिशन रिएक्शंस, कि डीकंपोज हो गया और जो दूसरा प्रोडक्ट निकला वो वोलाटाइल था, उसका मास डिक्रीज हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेपराइजेशन हो गया, H2O वेपर बन के निकल गया, सॉल्वेंट उड़ गया, डिसॉर्प्शन हो गई, इन प्रोसेसेस में मास चेंज होगा और ये उसको रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन ये कहता है कि आपके पास मान लो शुरू में जो भी अननोन सैंपल था वो 100 ग्राम था सॉलिड, और वो डीकंपोज हो गया
दो प्रोडक्ट में ये आपका ए जो है डीकम्पोज हो गया बी और सी में, एक बन गया 60 ग्राम, एक बन गया 40 ग्राम। टोटल तो मास 100 ही रहा ना दोनों को मिला के। तो जब तक मास में चेंज नहीं आया, टीजीए तो आपको कुछ बता ही नहीं रहा। टीजीए के हिसाब से तो सब सही चल रहा है भाई, मास में एक ग्राम भी चेंज नहीं आया तो हम तो ये कहेंगे ये सब बढ़िया चल रहा है, सब सही है, थर्मली स्टेबल है। पर ऐसा हो तो नहीं रहा ना बेटा, ये तो डिकम्पोज हो गया दो में, बी और सी बन गया, एक 60 ग्राम बन गया, एक 40 ग्राम बन गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं हुई? रिएक्शन तो हुई, लेकिन टीजीए ने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि उसकी कहानी सारी किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी कहानी शुरू होती है कि मास चेंज होएगा टेम्परेचर के साथ, और वो बस उसी बात पे अटका रहा है जिंदगी भर, मास चेंज होएगा भी टेम्परेचर के साथ। अगर मास नहीं चेंज होता किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर के साथ, तो टीजीए उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये उसकी बिगेस्ट लिमिटेशन है। अगर कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनता, वो गैस बन के नहीं उड़ जाता, उसका मास डिक्रीज नहीं होता, तो टीजीए तो कहेगा सब अच्छा है, पर होता नहीं है ना अच्छा। सो दिस इज ऑल अबाउट टीजीए। होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।